हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, मैं आज आपको एक ऐसे अनोखे प्लांट के बारे में बताऊंगी जो ना ही बीज से प्रोपेगेट होता है और ना ही कटिंग से होता है और ना ही डिवीजन से होता है। इसका प्रोपेगेशन का जो तरीका है बहुत ही अलग है। तो चलिए मैं पहले आपको इसके बारे में बता देती हूँ, उसके बाद हम इसके प्रोपेगेशन के बारे में बात करेंगे। और इस अनोखे और अजूबे प्लांट का नाम है मदर ऑफ थाउजेंड या मदर ऑफ मिलियंस या केलनकुई। जी हाँ, मदर ऑफ थाउजेंड इसलिए क्योंकि अगर आप ये एक प्लांट ले आए तो इसके आप थाउजेंड प्लांट आराम से बना सकते हैं। पड़ोसियों को भी दे देकर थक जाएंगे, इसमें इतने ज़्यादा प्लांट्स बन जाते हैं और बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट। और इस प्लांट की ब्यूटी मेनली इसकी लीव्स से ही है। आप देख सकते हैं इसकी लीव्स कितनी ब्यूटीफुल है। आप बैक साइड से देखिए, ऐसे लगता है जैसे किसी ने पेंटिंग की हुई है, और फ्रंट से कितनी ग्रीन कलर की हैं। तो इसकी लीव्स टू शेड में होती हैं। इसकी तीन या चार वेराइटी होती हैं, लेकिन मेरे पास ये एक ही। और फ्रेंड्स, इस केलनकुई प्लांट की एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप इसको किसी भी तरह के प्लांटर में लगा सकते हैं। चाहे आप इसको सेरेमिक प्लांट में लगाइए, या प्लास्टिक के में लगाइए, या सीमेंट के में लगाइए, या मिट्टी के प्लांटर में लगाइए, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये आराम से सभी प्लांटर में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। और अब इसके सॉइल की बात करते हैं। वैसे इसको आप किसी भी तरीके की सॉइल में लगा सकते हैं, इसको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होती है। बट आपने इतना ध्यान रखना है कि बस वेल ड्रेन हो। इसके लिए आपने 40% ग्राउंड सॉइल और 40% बजरी या रेत और 20% कंपोस्ट। और इसको खाद की भी ज़्यादा जरूरत नहीं होती है, बस आप फेब या मार्च में एक बार खाद दीजिए और एक बार रेनी सीजन के बाद में दे दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज फीडर नहीं होता है ये। और इसके लिए प्लांटर सेलेक्ट करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि प्लांटर बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा बड़े प्लांटर की नीड नहीं होती है। इसको आप 4-5 इंच के प्लांटर से लेके 8-10 इंच में आराम से लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रूट्स होती हैं बहुत डीप नहीं होती हैं, तो छोटे से छोटे प्लांटर में भी ये आसानी से ग्रो हो जाता है। और अब बात करते हैं इसकी लोकेशन और सनलाइट की। लोकेशन में आप इसको इंडोर भी रख सकते हैं और आउटडोर भी रख सकते हैं, फुल सनलाइट में भी रख सकते हैं और शेमी में भी रख सकते हैं। आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि आप इसको इंडोर रखेंगे या शेमी शेड में रखेंगे या फुल शेड में रखेंगे, तो इसकी जो लीव्स का कलर है वो ऐसा टू शेड में इतना अच्छा ब्राइट नहीं हो पाता है, और ये प्लांट जो है लैगी होता चला जाएगा। और इसकी जो लीव्स है वो भी ग्रीन कलर की होंगी और थोड़ी दूरी पर होंगी, मतलब उसमें डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। और यदि आप इसको ब्राइट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी हाइट कम होगी और इसकी लीव्स का कलर भी बहुत ही टू शेड वाला और बड़ा ब्राइट, बड़ा सुंदर कलर बन के आएगा, और लीव्स भी थोड़ी चौड़ी हो जाएंगी इसकी, यानी थोड़ा बुशी टाइप में बन जाएगा। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको लेगी बनाना है, बुशी बनाना है, या इसकी टू शेड वाली लीफ रखनी है, किस तरीके से रखना है वो आप पर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, हमने मदर ऑफ थाउजेंड या केलनकुई की प्लांटर, सॉइल और लोकेशन और सनलाइट सबके बारे में बात कर ली है। और अब लास्ट पॉइंट हमारा रह गया कि हमें इसको प्रोपेगेशन कैसे करनी है। अब प्रोपेगेशन ना तो हम इसको सीड से करते हैं, ना ही इसकी कटिंग से करते हैं, और ना ही ये मल्टीप्लाई होता है, तो फिर कैसे करते हैं? तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी जो लीव्स हैं आप इसमें देख सकते हैं, ये कितने सारे प्लांटलेट्स होते हैं, यानी छोटे छोटे पौध होते हैं, बेबी होते हैं, जिनसे ये प्रोपेगेट होता है। आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए, और ये अपने आप इसमें नीचे गिरते रहते हैं प्लांटर में, और उसी से ये बेबी प्लांट बनते रहते हैं। अब ये देख सकते हैं मेरे इसमें कितने सारे इसके ये प्लांटलेट गिरे हुए हैं और ये ग्रो हो गए हैं। और जब भी मैं इसको थोड़ा सा इधर उधर करती हूँ, आप देखिए बहुत ज़्यादा, कम से कम एक ही बार में 100-200 आराम से गिर जाते हैं। और गिरने के बाद आप देखिए, मैं दिखाती हूँ, ये छोटी छोटी इसमें रूट्स बन गई है और इसी से ये प्लांट बन जाते हैं, तभी इसको मदर ऑफ थाउजेंड कहते हैं। यानी एक प्लांट की एक लीव से ही 25-25, 30-30 हमारे प्लांट बन जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इसको सेमी शेड में रखेंगे या इंडोर रखेंगे, तो इसमें जो ये प्लांटलेट्स होते हैं ये थोड़े कम बनते हैं, इनकी ग्रोथ कम होती है। और यदि इसको फुल डे सनलाइट में रखते हैं तो ये प्लांटलेट्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, फिर आप इसे 1000 प्लांट्स आराम से बना सकते हैं। तो यदि आपको बहुत ज़्यादा प्लांट चाहिए तो आप इसको फुल डे सनलाइट में रखिए,
और यदि आपको ओनली यही सिंगल प्लांट रखना है और इसके बेबी प्लांट कम चाहिए तो आप इसको इंडोर रख सकते हैं। तो फ्रेंड, ऐसा यूनिक प्लांट जो हम एक लेकर आते हैं और फ्री में हमारे मिलियन थाउजेंड प्लांट बन जाते हैं, ऐसे प्लांट को हमें अपने गार्डन, अपनी बगिया में जरूर लेकर आना चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।